वो वीर का साया है, धरती पर आया है, उसने श्रावक गण को जीना सिखलाया है। गुरुवर मारा एक सहारा, गुरु चरणों में सब कुछ वारा। गुरुवर मारा आख्या रातारा, गुरुवर एक वाक्य में जी लो सब कुछ। श्रीमद रायचंद, जे स्वरूप समझा बिना भाम्य दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। आत्म सिद्धि शास्त्र की शुरुआत स्वरूप के बोध से होती है, और हमारे स्वरूप के बोध की चर्चा ही नहीं करते। पाठ पढ़ाई जाते हैं, ठोकरे याद कराई जाते हैं, क्रिया कराई जाते हैं, क्रिया ऊंची तेरी क्रिया नीचे, पता नहीं क्या क्या, एक दूसरे को खंडन मंडन, तेरा मेरा, अनंत कर्मों का बंधन कर लेते हैं क्रिया क्रिया के नाम पर। क्या पता कौन पहले मोक्ष जाने वाला है, और कोई ऐसे भव्य जीव है वनस्पति काया से निकल करके एक जन्म लेके मोक्ष चले जाएंगे। क्या पता भगवान के समोसरण में पशु पक्षी भी होते हैं, वो भी कर्मों की क्रिया करते हैं, इंद्र भी आते हैं, राजा भी आते हैं, साधु साध्वी भी आते हैं, भगवान की वाणी सब तक पहुंचती है, त्रियंच भी भेद ज्ञान कर लेती हैं। भेद ज्ञान सबसे बड़ी बात, भेद ज्ञान। तुमने बहुत साधना की होगी, कुंडली जागरण, फलाना जागरण, स्तोत्र, मैंने बहुत कुछ किया था, बहुत पापड़ बेले थे, बहुत कुछ किया था, अब सब छोड़ दिया, कुछ नहीं करता मैं, कुछ नहीं, पाठ नहीं, जाप नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, स्तोत्र नहीं, कुछ नहीं पढ़ता, कोई किताब पढ़ता ही नहीं, लिखता भी नहीं, कुछ नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बस बैठो ध्यान कर, आनंद ही आनंद है। कई बार मन नहीं लगता, हमारा भी नहीं लगता, कोई बात नहीं, क्यों, क्यों हमारे कर्म संस्कार आते, वो हमें दृत्यमान उदयमान उसको स्वीकार कर लो, और जो कुछ भी होगा तुम्हारा कर्म तुम्हारे देह पर ही आएगा। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने इस देह पर कार्य किया, कौशक में खड़े हो गए, देह पर कष्ट आया, समता से सहन कर लो, भेद ज्ञान करो, ये शरीर को कष्ट आता मुझको नहीं आता, आत्मा दृष्टा में रहो, तुम देखते रहो वो कर्म निकल जाएगा और कर्मों की निजरा हो जाएगी। बहुत गहरी विधि है ध्यान, कौशक, मौन, एकांत, कर्म नजरा का अचूक साधन है। तुम तप ना कर सको कोई बात नहीं, तुम साधु ना बन सको तो कोई बात नहीं, तुम शास्त्र ना पढ़ सको तो कोई बात नहीं, विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, केवल अपने को जानना और अपने को समझना। धर्म किसको कहते हैं, तुमने आज तक धर्म किसको माना, जो जीव बोलो धर्म किसे कहते हैं, तुमने आज तक जो धर्म मान करके जिया है वो बताओ। जैसे कि बच्चे से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, बच्चा कहता स्कूल में जाना मेरा धर्म है, स्कूल में जाना मेरा धर्म है। बच्चे बन जाओ, सरल हो जाओ, रिज्यू हो जाओ, भूल जाओ सारी व्याख्या जो शास्त्र की पढ़ी थी। आज तक बचपन से लेकर अभी तक जिसको तुम धर्म मान करके जियो वो धर्म क्या है, एक धर्म के अंग और एक धर्म का होना अलग है। जैसे मेरा ये शरीर है, मैं क्या कहूँगे, शिव मुनि इतना है क्या, शिव मुनि का ये शरीर है क्या, ये आँख शिव मुनि है, शिव मुनि के जब तुम नाम लोगे तो पूरा सर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक जो मेरी शक्ल है इसको आप क्या कहोगे, शिव मुनि कहोगे। तो जितनी व्याख्या की है वो धर्म के अंग धर्म नहीं है। जैसे देखिए स्थानकवासी परंपरा किसको मानती है, अलग अलग दम मंदिर किसको मानते हैं, मंदिर में जाना धर्म है, बाकी मिथ्यात्मी मानते हैं। तो स्थानकवासी कहते हैं मंदिर में गए तो मिथ्यात्मी हो गए, वो कहते हैं मंदिर में नहीं गए तो हम समगति हो गए, और पर्युषणों के दिनों में उपवास कर लेना धर्म है, ढाई कर लेना धर्म है। तो ये सब जैसे ये उपवास को धर्म मानते हैं, कोई मंत्र जाप में धर्म मानते हैं, इतने करोड़ का जाप कर लो, तो क्या इतने करोड़ का जाप करने वाले भी हम देखे हैं उनके मन को भी शांति नहीं मिलती,
कोई गंगा में स्नान करो धर्म मानता है, कोई गुरुद्वारे में जा कर के सिखों को गुरुद्वारे में जा कर धर्म मानता है, मुसलमान नमाज पढ़ने में धर्म मानते हैं। ये धर्म नहीं, ये तुम्हारे रीति रिवाज अलग अलग परंपराओं का पोषण है, ये धर्म नहीं है। तो आपने धर्म क्या है फिर? धर्म आज तक आपने क्या समझा? स्वभाव में रमन करना, क्या स्वभाव में रमन रहता है? फिर धर्म क्या हुआ? वो धर्म जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे। ऐसे मिश्री मीठी है, कभी भी खाओ मीठी है, रात को खाओ, दिन को खाओ, सुबह खाओ, शाम को खाओ, पुरुष खाए, स्त्री खाए, कोई खाए, मिश्री मीठी है। तो धर्म जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे, वो धर्म क्या है? धर्म की परिभाषाएं बहुत, हजारों लाखों धर्म के नाम पर ग्रंथ लिखे, पर धर्म इतना सहज इतना सरल है, हम उसमें जी नहीं पा रहे। एक माली बगीचा लगाता है, उसमें बीज डालता है, सुबह शाम पानी देता है, किस लिए देता है? फूल खिले, फल आए। पर जरूरी तो नहीं कि माली बीज डालेगा सारे फूल बन जाएंगे, सारे फल आ जाएंगे, जरूरी है नहीं। पर माली का बीज डालना, सुबह शाम पानी देना, धूप का आना जरूरी है। और धर्म क्या है? जैसे माली ने जो बीज डाले वो फूल खिल जाएं, फल आ जाएं, वो धर्म है। फूल का खिल जाना, फल आ जाना, वो धर्म है। पर आप कहेंगे फूल ही धर्म है, तो फिर माली पानी क्यों डालते हैं? माली को बीज डालना, पानी देना, खाद देना भी जरूरी है। यदि वो खाद नहीं देगा, पानी नहीं डालेगा, तो बीज पल्वित पुष्पित कैसे हो जाएंगे? दोनों जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? दोनों जरूरी है। माली खेत तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है, सूरज की रोशनी देती है, फिर जा कर के पौधा बड़ा होता है, फल आते हैं, फूल आते हैं। तो धर्म क्या है? जो फूल आ गए, फल आए, वो धर्म है। बाकी फिर आप कहेंगे वो क्या? माली का बीज डालना, पानी देना, वो क्या है? वो आपकी क्रिया जो तुम कर रहे हो, माला, पाठ, पूजा, वो क्रिया है। पर जरूरी नहीं कि माली बीज डाले सभी फल बन जाएं, सभी फूल खिल जाएं, नहीं होता जरूरी। तो धर्म है फूल का खिल जाना। तो तुम्हारा भीतर का फूल खिल जाए, तुम धर्मवान हो तो तुम खिल जाओ भीतर से। कोई गाली दे, कोई मारे, कोई काटे, कोई भोजन दे, तुम आनंद में रहो। जैसे महावीर आनंद में थे। धर्म है कैसी परिस्थिति आए, कैसी स्थिति आए, भोजन मिले ना मिले, व्यक्ति वस्तु स्थान से परिचय हो ना हो, परिवार रहे ना रहे, संबंध रहे ना रहे, पर तुम्हारा भीतर का फूल खिल जाए। फूल का खिल जाना, फल का लग जाना, वो धर्म है। यदि आप खिल गए हो भीतर से, तो आप धर्मवान हो गए हो। यदि नहीं खिले, तो फिर आप धर्मवान नहीं हो। भोजन खा लेना, तुम तृप्त हो गए, बड़ी बात नहीं। भोजन ना भी मिले, सत्कार सम्मान हो ना हो, स्थान मिले ना मिले, वृक्ष के नीचे रहना पड़े, कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारा भीतर का फूल खिल जाना चाहिए। धर्म वे है। ये साधना कर रहे हो तुम, ये साधना आपके भीतर को फूल खिलाएगी। धर्म क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो जाए, तुम बेचैन नहीं होगे, तुम चिंतित नहीं होगे, तुम दुखी नहीं होगे। शरीर दुखी होता, आत्मा आनंद में रहते। जो कहते वत्थु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव, तुम्हारा अंतर का स्वभाव, वो धर्म है। श्री साधु ने प्रार्थना की थी, और कहे परमात्मा से मांगा, परमात्मा जूते तो दे दो, जूते नहीं मेरे पास। बाहर आया, एक आदमी को देखा, दो पाँव ही नहीं है, और वो खुशी से चल रहे। श्री साधु ने कहा, परमात्मा मैंने गलती कर ली मांग के, मेरे तो जूते नहीं हैं, मेरे तो पाँव, उसके पाँव भी नहीं हैं, वो आनंद से चल रहा है, पाँव नहीं है,
उसके पांव जूते मांग रहा है और पांव नहीं है वो आनंद में है। एक साधु के कुछ शिष्य थे, जा रहे थे, चल रहे थे, तो पहले दिन किसी गांव में गए तो लोगों ने उनको रहने की जगह दी, तो ठहर गए। साधु ने, जो उनका गुरु था, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, आगे चले गए। दूसरे दिन आगे गए तो किसी ने भोजन ही नहीं दिया, पानी दिया। साधु खुश है, बहुत अच्छा है। तीसरे दिन गए, ना किसी ने जगह दी, ना पानी दिया, ना भोजन दिया। तो उनका गुरु बहुत प्रसन्न है, परमात्मा आपने बड़ी कृपा की। शिष्य कहते हैं, गुरुदेव हम तीन दिन से देख रहे हैं, गांव वालों ने पहले ने जगह दी, उन्होंने भोजन नहीं दिया, पानी दिया, दूसरे ने भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तीसरे जगह नहीं दी। गुरु ने कहा, शिष्य देखो, जब ज़रूरत थी जगह की जगह मिल गई, आगे जरूरत थी पानी मिल गया, भोजन नहीं मिला तो क्या। तीसरे दिन यदि भोजन भी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जगह नहीं मिली, तीन दिन उपवास करने का अवसर दे दिया गांव के लोगों ने, तीन दिन उपवास करने का अवसर दे दिया। बाहर खेत है, चंद्रमा की चांदनी है, कितना अवसर है चंद्रमा की चांदनी में हम बैठ रहे हैं। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम उसमें सत्य निकाल लोगे, धर्म निकाल लोगे, दुखी हो जाओगे। तो धर्म है, कैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, तुम आनंद में रहोगे। ये साधना का सार है। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं, आत्मा में ज्ञान है, आनंद आत्मा में है, स्वयं जीना है। इस आधार पर धर्म की व्याख्या, धर्म कोई पुस्तकों में नहीं है, धर्म कोई लिखने में नहीं है, धर्म बोलने में नहीं है, धर्म लेक्चर देने में, धर्म जीने में है। युधिष्ठिर के पास जो आया था, सत्यम वद धर्मम चर, सबने पाठ याद कर लिया, युधिष्ठिर को याद नहीं हुआ। सबने कहा, कैसा है, दो शब्द याद नहीं होते। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं गुरुजी, मेरे याद नहीं हुआ। सत्यम वद धर्मम चर, सबने बोल दिया। कहते, जब तक मैं जीऊँ नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो धर्म है जीना, स्वयं में जीना। ये साधना आपको स्वयं में जीने की बात करेगी। कोई उपदेश नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई गाथा नहीं, कुछ नहीं। अपने में जियो, अपने में रहो, अपने में स्थिर हो जाओ। तो धर्म की शुरुआत किसी से नहीं, अपने से करनी है। परंपरा में धर्म नहीं, नियम उपनियम बनाए जाते हैं, पर नियम उपनियम रक्षा के लिए, जैसे बाड़ लगाते रक्षा के लिए, फल और फूल आए वो धर्म होता है। धर्म हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम देह को छोड़ करके आत्मा में रमन करोगे, भेद ज्ञान करोगे, कभी आपको भोजन नहीं मिला, शरीर को भोजन नहीं मिला, क्या फर्क पड़ा। किसी ने भोजन मिल ही जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। जान तो नहीं निकल जाए, निकल जाए अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है। शरीर टूटेगा, मैं आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा ने अन्न का दाना नहीं खाया तो किसके लिए भोजन कर रहे हैं। आत्मदृष्टि में आओ, भेद ज्ञान करते रहो, मौन का पालन करना। अब तुम चलोगे, भेद ज्ञान करना, शरीर चल रहा है, विश्राम करोगे, शरीर विश्राम कर रहा है, आत्मा मात्र दृष्टा है। भोजन करोगे, शरीर भोजन ले रहा है, मैं मात्र, इसको पक्का करना है, मजबूत करना है। आंखें बंद, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, इस देह में आत्म तत्व है, वो तुम हो, साकार में निराकार आत्मा है। ये देह साकार है, जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको इस जगत में, सब अनित्य है, सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, पर इसके भीतर जो आत्मा है वो शाश्वत तत्व है। उस शाश्वत तत्व का अनुभव कीजिए।
विचार आएंगे चले जाएंगे, कोई विचार को महत्व ना दें, केवल अपने में स्थिर हो जाएं। देह और आत्मा दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। देह में आत्मा है पर आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। इस आत्मा की देह भी सगा नहीं। अपने भीतर की गहन शांति का अनुभव करें। कोई विचार, कोई संस्कार, कोई बुद्धि का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हो कि तुम अपने में ठहर जाओ, अपने को जान लो, अपने को पहचान लो, अपने भीतर आ जाओ। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो सबका मंगल हो सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अरिहंत परमात्मा को नमन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों में ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब सावनंग, ईसो पंच नमो कार सब पाव पनासनो मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवाई मंगलम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पनतो धमो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत कोई जो भागे